मेरी टीवी मोबाइल से कनेक्ट नहीं होती, मेरी टीवी स्क्रीन में नहीं होती, मेरा मोबाइल में क्या दिक्कत है या मेरी टीवी में क्या दिक्कत है यार, ये बहुत सारे कमेंट मैं अपने वीडियो में पढ़ता रहता हूँ और लोगों को मैं बता नहीं पाता हूँ एक्चुअली में। तो आपको वीडियो को मैं आज इस वीडियो में मैं आपको ये पूरा डिटेल बताने वाला हूँ। तो यार सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है, आपको कोई भी पार्ट को स्किप नहीं करना है, क्योंकि मैं पूरा एक टू एक वन टू वन स्टेप आपको डिटेल में इसको बताऊंगा। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अगर जैसे आपके पास कोई मोबाइल है तो आपके पास ये देख लीजिए उसमें वाईफाई से करने के बाद उसमें कास्ट है कि नहीं है, वो आप चेक कर लीजिए। ठीक है, कास्ट में पहले मैं एक पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ उसको कैसे सर्च करना है, कास्ट है स्क्रीन रीडिंग है, क्योंकि सब मोबाइल में अलग अलग होता है, जैसे ओप्पो सैमसंग और जैसे आपके सोनी, ये अलग अलग मोबाइल में अलग अलग फीचर्स होते हैं, बट नाम सेम ही रहता है, या कास्ट होगा या स्क्रीन रीडिंग होगा, है ना, इसी टाइप के आपका लिख के आएगा। ठीक है, और दूसरे आपका मोबाइल टीवी से कनेक्ट हो गया है बट फिर भी लैग हो रहा है, स्क्रीन ब्लैक शो कर रही है, तो यार आपका रैम कम हो सकता है या तो आपका स्टोरेज कम हो सकता है 32 GB से, और सब चीज़ ओके होने के बावजूद भी सही है तो भाई टीवी में दिक्कत होगी। आपके पास टीवी है तो टीवी में ऐप होता है, जैसे रेडमी मैंने बताया गया तो मिरकास्ट करके ऐप होता है, अगर आपके पास ऐप नहीं होता है या दूसरी पैनासोनिक टीवी होती है या अदर टीवी होती है तो उसमें भी आपका ऐप होता है। देखिए सबका ऐप अलग अलग होता है, आपको ये चीज़ समझना हो। तो अगर आप कहीं भी टीवी खरीदने जाइए तो आपको ये ध्यान रखिए कि आप टीवी वाले से ये बोलेंगे सर मुझे ये बताइए कि उसमें स्क्रीन मिररिंग होती है कि नहीं, स्क्रीन मिररिंग नहीं होती है तो आप दूसरी टीवी सजेस्ट कीजिए, क्योंकि आपको वो चीज़ चाहिए, आपको फ़ोन को टीवी से कनेक्ट करना है, कि ये चीज़ आजकल सब लोगों को इम्पोर्टेंट है कि आजकल सब लोग मोबाइल यूज़ करते हैं, मोबाइल में डाटा रहता है और लोगों को मोबाइल को टीवी से कनेक्ट करना रहता है। तो सिंपल चीज़ आपको इस वीडियो में देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सिंपल ये चीज़ आपको फॉलो करना। अगर आप सपोज कोई भी टीवी लेते हैं जैसे रेडमी टीवी लेते हैं तो आपको रेडमी में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है कनेक्टिविटी की, उसमें सबसे ज़्यादा बिग प्रॉब्लम है रेडमी में कनेक्टिविटी की। तो आप अगर रेडमी टीवी ले रहे हैं तो उनसे पूछ ही लीजिए सर ये स्क्रीन रीडिंग होती है, अगर होती है तो मुझे करके दिखाइए, अगर नहीं होती है तो आप उस टीवी को नहीं लीजिए। ठीक है, मेरे सजेशन करेंगे तो भाई सैमसंग टीवी, LG टीवी, सोनी टीवी, ये सबसे टॉप ब्रांड होते हैं और इसकी कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी होती है, इसमें आपको कोई भी ऐप की जरूरत अधिकतर नहीं पड़ती है, आपकी टीवी ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाती है। पांचवी चीज़ यार, वीडियो का अगर आप लास्ट तक देख रहे हैं तो आई थिंक आपको वीडियो पसंद आई है, एंड प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फैमिली को और बढ़ाना है मुझे। आज के लिए इतने ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।